असलम एवरी वन एंड वेलकम यू टू अनदर वीडियो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको अपना ही ड्रेस दिखा रही हूँ जो कि ऑब्वियसली मैं ईद के ऊपर पहनूंगी उसका क्या फैब्रिक है और किस तरह मैंने ईजी बजट के अंदर उसको डिज़ाइन किया है तो बात करते हैं शेफ़ोन का प्योर शेफ़ोन का और मकैश वाला जो है वो पीस दे के उसको डाई कराया है डीप में रून रेड शेड में उसके बाद अगर आप ये देखें तो जो और आ, गेंजा का प्योर टिशू होता है और गेंजा का इंडियन सेल्फ प्रिंट टिशू वो टिशू यूज़ किया है और उसी की इंटरनल फेसिंग की है गले में उसी पट्टी है और वही स्लीव्स पे है और स्लिट्स के ऊपर उसकी एक पॉकेट बनवाई है स्ट्रिप्स बनवाया अगर पट्टी की बात करें तो अगर आपको दिखाऊं तो सिंपल पट्टी है उसके ऊपर मेटल के बटन्स यूज़ किए हैं क्योंकि बटन जो थे वो थोड़े इंडियन थे और वो एक्सपेंसिव थे तो इसलिए मैंने थोड़े गैप के साथ सिर्फ तीन बटन यूज़ किए हैं आपका बजट अगर देता है तो आप ज़्यादा बटन भी यूज़ कर सकते हैं कुर्ती का राउंड शेप था और आगे से भी राउंड थी बैक से भी राउंड थी लेकिन फ्रंट थोड़ा सा शॉर्ट था यानी कि और लेंथ घेरा भी उसका कम था बैक से और राउंड थी और चौक का जो स्टाइल था वो देख के थोड़ा सा डिफरेंट था उसके ऊपर एक स्ट्रिप सी लखवाई थी जो कि उनको ज्वाइन करती थी ताकि वो बहुत ज़्यादा दूर ना जाएं और ये एक डिज़ाइन था तो ये बहुत अच्छा पहना हुआ बहुत अच्छा लगता है मैं पिक्चर इसके अंदर पहन के भी आपको इसका एंड पे दिखाऊंगी और इन अंदर जो है वो प्योर की स्लिप है यानी कि इनर वेयर है और स्लीव्स के ऊपर भी सेम वही था कि मकैश के ही स्लीवस थे लेकिन उसके वो नीचे स्लिप के बाजू नहीं है और आगे सिंपल मैंने वही पट्टी जो कि गले पर यूज़ की है और गेंजा के टिशू की सेल्फ प्रिंट टिशू था ये थोड़ा एक्सपेंसिव है अगर आप चाहें तो सिंपल कोई और भी यूज़ कर सकते हैं अंदर करवाना चाहे तो आप अंदर भी करवा सकते हैं और इसके साथ क्योंकि मैं आपको हर ड्रेस पर बताती हूँ हर बार बताती हूँ कि वो बहुत इन है हमारे पास ट्यूलिप शलवार तो इसके साथ ट्यूलिप शलवार थी एक और बात कि अगर आप मकैश को नहीं लेना चाह रहे तो आजकल तिल्ले की एम्ब्रॉयडरी वाले बिल्कुल मकैश स्टाइल के अंदर ही एक फैब्रिक है तो आप वो भी ले सकते हैं अब ये देखें कि ये हमारे पास शलवार है ट्यूलिप शलवार सिंपल जो आजकल इन हैं वही ट्यूलिप शलवार है इसकी स्टिचिंग भी बहुत रीज़नेबल है कोई एक्सपेंसिव नहीं है बल्कि उससे एक आ, कम रीज रीज़नेबल पड़ती है जो हम कैपरी या शलवार के ऊपर डिज़ाइनिंग कराते हैं तो उनसे ये बहुत रीज़नेबल है और इसके साथ इसका भी सेम ग्रिप की शलवार थी ऑल दो ये कपड़ा महंगा होता है लेकिन पड़ा पड़ा थोड़ा इसका कलर चेंज हो जाता है तो अगर आप नहीं एक्सपेंसिव लेना चाहते तो आप पाकिस्तानी ग्रिप ले लें लेकिन मेरी प्योर की थी और ये इसका पोंचा है और ये इसकी शलवार की लेंथ थी शलवार की लेंथ थोड़ी लॉन्ग थी क्योंकि शर्ट बहुत शॉर्ट थी और राउंड थी तो इसलिए फिर उसको थोड़ा सा खुला और ताकि उसका वॉलीम आ जाए और एक पटियाला लुक आए तो वो इसलिए ट्यूलिप शलवार को थोड़ा खुला और लॉन्ग रखा गया था अब अगर अब हम इसके दुबटे की बात करें तो जो कल की वीडियो के अंदर भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था दुबटे इसका वही दुबटा है और रेड कलर का डीप रेड शेफोन का दुबटा है एंड पे क्योंकि गोल्डन टिश्यू मैंने यूज़ किया है थ्रू आउट द शर्ट डिजाइनिंग में तो सिंपल गोल्डन लेस और टसल्स यूज़ किए हैं जो कि कल मैंने आपको एक्सप्लेन किया है अगर आपने ये टसल नहीं यूज करने तो सिंपल चारों तरफ वो जो बड़े टसल्स हैं दुबट्टे के आप वो यूज़ कर सकते हैं या आप ख़ुद बनवा के टसल्स यूज़ कर सकते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है तो ये बहुत इजी बजट के अंदर और बहुत अच्छा आपका ड्रेस जो है वो डिज़ाइन हो सकता है अगर आपने ये वाले बटन ही यूज़ करने तो इस तरह की मेटल की एक पूरी स्ट्रिप मिलती है जो कि आप एक ड्रेस से उतार के दूसरे ड्रेस पर आराम से लगा सकते हैं आप वो भी लगा सकते हैं आप इस तरह जो मैंने यूज़ किए हैं आप ये वाले बटनस भी यूज़ कर सकते हैं ट्यूलिप शलवार के साथ इस ड्रेस की लुक कैसी आती है वो मैंने आपको इस पिक्चर में दिखा दिया है देखिए दुबट्टे के टसल्स हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं और ये शॉर्ट शर्ट है लेकिन बहुत ज़्यादा शॉर्ट भी नहीं है नी लेंथ से थोड़ी सी ऊपर है और राउंड इसका जो है वो हमारे पास घेरा है ये जो चौक की बात यानी कि जो स्लिट्स की बात करी थी ये वो स्लिट्स के ऊपर स्ट्रिप है और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू तो माई चैनल एंड प्रेस द लाइक बटन थैंक यू फॉर वॉचिंग सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो टिल देन टेक केयर अला